का चार्ट लगा के रखो। अभी निफ्टी बैंक में कौन सी मोमेंट है, निफ्टी में कौन सी मोमेंटम है, कौन सी डायरेक्शन से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, वो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखने वाले कि जो निफ्टी फिफ्टी है, निफ्टी फिफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं, निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से मोमेंटम ले रहा है, एंड क्या निफ्टी फिफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग एंड अच्छा खासा ट्रेड हमारे यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अभी जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग किया है, जिस हिसाब से मार्केट ने अपना कैंडल बनाया है, उस हिसाब से यहाँ से एक और डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा 18,600 का यहाँ पे हो सकता है, मतलब कि 18,600 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं मार्केट्स के अंदर, अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल का मोमेंटम बनाता है तो। अब जैसे ही इसका लाइव अपडेट कहाँ पे मिलेगा, तो लाइव अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटली हमारे फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी इसके अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने लेवल दिया था लगभग 398 के आसपास, जिसने आज यहाँ पे 500 to 700 का हाई लगा दिया है, तो ईजिली आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके, ये टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो निफ्टी फिफ्टी है, निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, निफ्टी फिफ्टी का मोमेंटम क्या चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में निफ्टी फिफ्टी अपना मूव दिखा रहा है, तो निफ्टी फिफ्टी के हिसाब से जो मूव अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी जो है अपना डाउनफॉल के लिए रेडी हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंसेस वो ब्रेक कर चुका है। लेकिन डाउनफॉल तो वो रेडी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो सपोर्ट भी बना चुका है। अब जैसे ही वो सपोर्ट के पास आएगा, सपोर्ट वो ब्रेक कर देगा अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड प्लान बन सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो इन लेवल्स को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ से एक ऊपर की साइड का प्लानिंग हम कर सकते हैं, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में आपको ये वाला टारगेट दिखा सकता है। अगर मार्केट ये लेवल्स प्लस मार्केट ये लेवल्स ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट हमारे पास निकल के आएगा, वो रहेगा आपके यहाँ पे ये वाला टारगेट्स। टारगेट थोड़ा बड़ा है 18,740 का, लेकिन यहाँ से अगर वो निकल रहा है तो वो डेफिनेटली ये वाले टारगेट के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी फिलहाल तो एक पॉजिटिव एंड निगेटिविटी भी साथ में लेकर के चल रहा है। अब निगेटिविटी हमें कहाँ पे नज़र आएगी, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। निगेटिविटी इसकी आपको तब नज़र आएगी जब हमारा मार्केट्स 18,860 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देगा तब। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स अगर वो ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर वो सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, वो लगभग रहेगा आपका यहाँ पे 18,863। ठीक है, तो ये टारगेट्स आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो डाउन साइड में, अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट आ जाता है एंड वो डाउन साइड का मोमेंटम शुरू कर देता है तो। अब उसके साथ में जो हमारा टोटली फ्री वाला है यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर भी आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 32,000 मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कितने 32,000 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपने नहीं किया तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, एंड ये टोटली फ्री है, फ्री टू ज्वाइन है ये, आप आकर के इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी फिफ्टी है उसमें क्या कंडीशन बनाई जा रही है, यहाँ पे किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे अपने आपको बना रहा है वो देखेंगे। अभी निफ्टी फिफ्टी को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या कर रहा है, निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे अपने ट्रैप जोन के आसपास आ चुका है, मतलब कि निफ्टी फिफ्टी अगर डाउनफॉल यहाँ पे करना चाहता है तो हेवी डाउनफॉल अगर उसको कब मिलेगा, जब वो 18,621 के पास आएगा एंड वहाँ से डाउनफॉल करना चालू कर देगा, तो वो हेवीली डाउनफॉल वहाँ पे कर सकता है। टारगेट आपका 18,560 का रहेगा एंड 18,530 का रहेगा, तो ये दोनों टारगेट आपको डाउन साइड में देखने मिलेंगे निफ्टी फिफ्टी के अंदर, अगर निफ्टी फिफ्टी वहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल का मोमेंटम दिखाता है तो। ठीक है, तो ऐसा आपको ये बात तो समझ गई कि निफ्टी फिफ्टी का डाउनफॉल मोमेंटम कहाँ पे होगा, एंड जिस तरीके से निफ्टी फिफ्टी अभी डाउनफॉल आ रहा है, तो यहाँ से ये इतना बात तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी का निगेटिविटी का मोड यहाँ पे आ चुका है, निगेटिविटी में वो चलना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो निगेटिविटी के मोड में जाएगा जब तक वो 18,500 के नीचे सस्टेन ना कर जाए। अगर इसके नीचे वो आ जाता है, इसके नीचे वो सस्टेन करता है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी जो है वो निगेटिव जोन में आ चुका है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बायर्स का बहुत पॉसिबल है कि वो उसे ऊपर लेकर के जा सकता है। दोनों चीज़ों के लिए हम रेडी है, अब चाहे निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाए, निफ्टी फिफ्टी नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, हमारे पास तो निफ्टी निफ्टी फिफ्टी का जो प्लान है वो ऑलरेडी रेडी है। तो निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाए, निफ्टी फिफ्टी नीचे जाए, जहाँ पे भी जाएगा हम तो प्रॉफिट करके वहाँ से निकल सकते हैं। लाइव मार्केट का अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा टोटली फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके, एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसका लिंक तो आपको पता ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी यूट्यूब पर ही वीडियोज़ को देख रहे हो, यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए बहुत से अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो लेवल्स अभी यहाँ पे निकलने के आने वाले हैं ना बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, वो भी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों का भी स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, मतलब अलग अलग चीज़ों का। जो हमारा आईटी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म यहाँ पे कर चुका है, उसके अंदर भी निगेटिविटी आ चुकी है,
तो जो यहाँ पे निफ्टी आईटी का सेक्टर है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो निगेटिव के जोन में है, ठीक है। तो वो अपना निगेटिविटी के जोन में है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी तब मिलेगा जब यहाँ से ये डाउनफॉल वो ब्रेक कर देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर वो एक बार वो नीचे आ जाते तो डाउनफॉल के टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे ये वाले। तो इन लेवल्स के आसपास आपको थोड़ा सा फोकस बनाए रखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर वो आता है तो वो ये वाले लेवल्स के आसपास तक आ सकता है हमारे डाउनफॉल के लेवल्स के पास। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। फिर वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी इंडेक्स हो, एंड आपका SPX हो, SP 100 हो, चाहे जो भी हो, आपको सब पे ध्यान रखना ही है। क्योंकि अगर इस पे ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपको निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। उसी के बारे में लाइव मार्केट का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहता है, तो आप फटाफट यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन यहाँ पे कर चुके हैं। आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी आकर के इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब और यहाँ पे क्या क्या दिखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से ऊपर की साइड का टारगेट आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे हमारा निफ्टी जो है वो लगभग 18,660 के पास जाए एंड ऊपर साइड का मूव दिखाए, तो हमारा टारगेट 18,685 का रहेगा, 18,700 का रहेगा एंड 18,772 का रहेगा। हाँ, ये टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन डेफिनेटली मिल सकता है अगर मार्केट्स का यहाँ पे पॉजिटिविटी स्ट्रांग रहता है। तो निगेटिविटी अभी स्ट्रांग तभी होगा जब डाउनफॉल का टारगेट 18,600 के आसपास जा करके सस्टेन करेगा, तब जा करके निगेटिविटी जनरेट हो जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर तक मार्केट्स यहाँ पे पॉजिटिव की डिरेक्शन में हो सकता है। तो देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में क्या मोमेंटम आ रही है एंड उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन का मोमेंटम हम प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मोमेंटम प्लानिंग के लिए आपने अगर लाइव वीडियो मैंने देखा होगा तो लाइव वीडियो के अंदर मैंने आपको एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। किस तरीके से एक्सप्लेन किया था वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइव में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे अगर आप लाइव वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे एक अपडेट आपको दिया था। कौन सा अपडेट था, कैसा अपडेट था, चलिए वो देख लेंगे। उसके साथ में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो लाइव अपडेट हमारा था उसके साथ में जो टारगेट्स था हमारा, वो टारगेट भी अचीव हो चुका था। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आपको मैंने टारगेट दिया था लगभग 30 का टारगेट मैंने दिया था एंड उसके बाद भी मार्केट कहाँ पे जाता है, 30 के बाद 40 के आसपास भी टच कर देता है एंड 50 पे टच कर देता है। तो मार्केट ऑलरेडी 20-40 पॉइंट्स ऊपर चले गया था एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग हमारा वहाँ पे भी जनरेट हो चुका था। वो टोटली लाइव में मैंने आपको अपडेट कर दिया था, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है इसमें एंड यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट मिलता है कि कहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी मार्केट्स के अंदर हो सकती है। तो इस तरीके से लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर सकते हो। लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये टोटली फ्री होता है, फ्री टू ज्वाइन है, ठीक है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से जा करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो।